हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। केक बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स: हाफ कप मैदा, 1/4 कप पीसी हुई चीनी, 1/4 कप दूध, दही 1+1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून विनेगर, 1/2 TSP बेकिंग पाउडर, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून +1 TSP ऑयल, 1/8 TSP वैनिला एसेंस, 1/8 TSP पाइनएप्पल एसेंस और कुछ टूटी फूटी गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और टूटी फूटी को भी हम इसमें ही ऐड करेंगे ताकि ये टूटी फूटी को एक अच्छा सा कोटिंग हो जाए। और ऐसा करने से ना फ्रेंड्स, ये टूटी फूटी जब हम केक बेक करते हैं ना तो ये नीचे नहीं बैठ जाती। तो देखिए, अब ये टूटी फूटी को पूरा ही मैदे का कोटिंग हो गया है। अब हम ये टूटी फूटी को अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स लेंगे। पहले तो तेल लेंगे और उसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे और ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, जस्ट हमें ये दो चीज़ें एक साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए, तब तक ही मिक्स करना है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को एक बार वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये चीज़ें अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करनी है। अब हम इसमें वैनिला एसेंस और पाइनएप्पल एसेंस डाल के एक बार वापस मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है। अब हम इसमें विनीगर भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा जस्ट मिक्स करेंगे, फेंटिएगा मत। अब हम ये वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे और इसे इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सिर्फ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ये हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये पाइनएप्पल टूटी फूटी कपकेक है, तो थोड़ा सा पाइनएप्पल जैसा कलर आ जाए इसीलिए। तो देखिए, अब ये कैसा मिक्सचर येलो कलर का दिख रहा है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, पर दूध को हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और जो हमने अब बचा के रखा था दूध, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को एक बार वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लास्ट में टूटी फूटी ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, इस केक के बैटर का भी कितना अच्छा कलर दिख रहा है, सेम पाइनएप्पल के कलर की तरह। मैंने कपकेक के ऐसे मोल्ड्स लिए हैं। अब हम इस मोल्ड्स में हम बैटर को पोर करेंगे। हमें ये बैटर को सिर्फ हाफ ही फिल करना है। आप चाहे तो ऊपर से और थोड़ी सी टूटी फूटी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों को तो टूटी फूटी अच्छी लगती है। अब ये कपकेक्स अवन में बेक होने के लिए रेडी है। हमने अवन को पहले ही 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इन कपकेक्स को 15-18 मिनट्स तक 180 डिग्रीज पे बेक करेंगे। पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम ये इन कपकेक्स को बेक कर रहे हैं तब हमें अवन के दोनों भी रॉड्स ऑन रखने हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी, तभी ये कपकेक अच्छी तरह से बेक होंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ये कपकेक्स अब ऑलमोस्ट डन है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये टूटी फूटी पाइनएप्पल कपकेक्स।
वाह, ये कपकेक कितने यमी लग रहे हैं। और जो टूटी फूटी हमने गार्निशिंग के लिए डाली थी ऊपर से, वो तो और भी बढ़िया लग रही है। तो चलिए अब हम एक कपकेक को निकाल के देखते हैं कि वो कैसे अंदर से कुक हुए हैं। अब हम एक कपकेक को निकाल के देखेंगे तो देखिए ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट दिख रहा है और कलर भी कितना सुंदर और बढ़िया पाइनएप्पल जैसा आया है। और अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी ये कपकेक्स को ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। थैंक यू।